हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आज हम नए टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है कोलोरेक्टल कैंसर एंड हर्निया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर्निया से। एम्स दिल्ली में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपको लास्ट में मिल जाएगा। कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोलोरेक्टल कैंसर। न्योप्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ कोलोन टिश्यूज इज कॉल्ड कोलोरेक्टल कैंसर। यानी कि कोलोन के अंदर किसी प्रकार की न्योप्लाज्मिक ग्रोथ हो जाए या फिर कोई एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाए, उस कंडीशन को बोला जाता है कोलोरेक्टल कैंसर। नेक्स्ट है कोज अननोन। अभी तक इसके कोज का किसी को पता नहीं लगा है, इसलिए इसका कोज अननोन है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो कोज कर सकते हैं। कन्फर्मेशन नहीं है कि इनकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है, बट ये बताते हैं कि इनकी वजह से हो सकता है। अगर किसी पर्सन को हुआ है कोलोरेक्टल कैंसर तो इनकी वजह से हो सकता है। कन्फर्म नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है कि इनकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है। ये सिर्फ बता सकते हैं ऐसा कि इनकी वजह से हो सकता है। फर्स्ट है एज मोर देन 50 ईयर। अगर 50 से ऊपर किसी की उम्र हो जाती है तो उसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। किसी की प्रीवियस जो फैमिली हिस्ट्री में किसी के रहा है कोलोरेक्टल कैंसर, तो उसमें संभावनाएं हो सकती है कोलोरेक्टल कैंसर होने की। नेक्स्ट है प्रीवियस कोलोरेक्टल पॉलिप्स। यदि किसी पर्सन में प्रीवियस पहले कोई कोलोरेक्टल पॉलिप्स बना है तो उसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज IBD। ये मैंने पढ़ा दिया है, इनकी वजह से भी हो सकता है। ये थे कुछ रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर चेंज इन बोवेल हैबिट्स। जब हम कैंसर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ साइंस सिम्टम पढ़ेंगे जिनके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन CAUTION। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज इन बोवेल हैबिट्स। ये पार्ट यानी ऑर्गन के, जिस ऑर्गन में जैसे कैंसर हो रहा है उस हिसाब से आपको साइन एंड सिम्टम बताने हैं। यहाँ पर हो रहा है कोलोरेक्टल कैंसर, तो सबसे पहले क्या होगा, चेंज होगा बोवेल हैबिट्स। जो बोवेल हैबिट है वो आपको चेंज मिलेगी। नेक्स्ट है ब्लड इन स्टोल। मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लड इन स्टोल। देखो ये हिमेटोचेजिया या फिर मेलेना दोनों ही कंडीशन हो सकती है, क्योंकि हिमेटोचेजिया भी हो सकता है अगर सिग्मोइड कॉलोन में कैंसर हुआ है, या फिर असेंडिंग कॉलोन में अगर कैंसर हुआ है तो मेलेना भी देखने को मिल सकता है। इसलिए ब्लड इन स्टोल ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है टेनिसमस इनइफेक्टिव पेनफुल स्टेनिंग एट स्टोल। इनइफेक्टिव पेनफुल स्टेनिंग एट स्टोल मीन्स टेनिसमस मीन्स होता है जैसे यानी फाल्स परसेप्शन हुआ डेफिकेशन के लिए, यानी कि उसको डेफिकेशन अराइज नहीं हो रही है, अकर नहीं हो रही है, फिर भी उसको फाल्स परसीव हो रहा है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, उसको फाल्स फील होना डेफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है डायरिया इन असेंडिंग कोलोन कैंसर। अगर असेंडिंग कोलोन कैंसर हो रखा है तो डायरिया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिसेंडिंग कोलोन कैंसर, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन और सम डायरिया एंड फ्लैट ट्रिबल लाइक स्टूल कॉज्ड बाय पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर डिसेंडिंग कोलोन कैंसर हो रखा है तो उसमें पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और रिबल लाइक स्टूल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिबल लाइक स्टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली हिर्सच-प्रंग डिजीज में देखने को मिलता है। पीडियाट्रिक में जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट है रेक्टल ट्यूमर अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। अगर रेक्टम में कोई किसी प्रकार से ट्यूमर हो रखी है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्लिनिकल फीचर में आपको मोस्ट कॉमन याद रखना है, अगर कोलोरेक्टल कैंसर से पूछा जाता है तो आपको आंसर लगाना है ब्लड इन स्टूल। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक याद रखना रिबन लाइक स्टूल, ये हिस्सप्रंग डिजीज में देखने को मिलता है। ये पीडियाट्रिक में पढ़ाऊँगा डाइजेस्टिव
सिस्टम की डिजीज कंडीशंस में। नेक्स्ट है लेट साइन। लेट साइन कौन कौन से देखने को मिलेंगे? फर्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स है, जो फिकल पार्टिकल्स है, वो आगे नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल मास, यानी जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से एब्डोमिन पे आपको मास दिखाई देगा। नेक्स्ट है केकेक्जिया। केकेक्जिया मीन्स वीकनेस एंड वास्टिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू सीवियर क्रोनिक इलनेस। किसी भी सीवियर क्रोनिक इलनेस की वजह से वीकनेस और वास्टिंग हो जाना बॉडी का, वो कंडीशन कहलाती है केकेक्जिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आप विशेष तौर से ध्यान रखें। मैं जहाँ भी इम्पोर्टेंट बोलता हूँ उस टॉपिक को आप कंटेस्ट याद रखें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मास इज नॉट ऑन नोटेड ऑन बेरियम, यानी कि आपको बेरियम एनिमा आपके यहाँ पर यूज़ करना है और जो भी मासेज आपको दिखाई देता है उसको नोट करना है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो किया जाता है, बट यहाँ पर एब्डोमिनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन करना है क्योंकि रेक्टम कोलोरेक्टल कैंसर और का है, तो आपको एब्डोमन और रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट है फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट FOBT, ये मैंने अच्छे से समझा दिया है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। नेक्स्ट है बेरियम एनिमा। देखिए मैंने बेरियम मील स्टडी एंड बेरियम एनिमा दो वर्ड्स बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। बेरियम मील स्टडी मेनली जो अपर GIT है उसके अंदर यूज़ लिया जाता है, और जो बेरियम एनिमा है वो लोअर GIT के लिए यूज लिया जाता है। याद रखना यहाँ पर बेरियम एनिमा करेंगे क्योंकि कोलोन के अंदर कैंसर हो रखा है। नेक्स्ट है प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोप के द्वारा सिग्मोइड कोलोन को विजुलाइज करना प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी कहलाता है। नेक्स्ट है CEAT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्रिकेट में देखा होगा टायर्स घूमते रहते हैं, उन पे CEAT लिखा होता है, वो CEAT अलग होता है, वो एक ब्रांड नेम है उस टायर की, यहाँ पर CEAT अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट। CEAT मीन्स कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट, ये बढ़ावा मिलेगा मीन्स एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा अगर कोलोरेक्टल कैंसर हो रखा है तो। नॉर्मल वैल्यूज 0 to 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर या लेस देन और इक्वल, ये इसके इक्वल या फिर लेस देन मिल सकती है। नॉर्मल वैल्यू होती है CEAT की 0 to 2.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर या फिर 3 ng नैनोग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी विथ बायोप्सी और साइटोलॉजी। सिग्मोइडोस्कोपी के द्वारा बायोप्सी लेंगे और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, करेक्ट फ्लूइड इम्बेलेंस विथ IV थेरेपी, यानी कि IV थेरेपी के द्वारा जो भी फ्लूइड इम्बेलेंस हुआ है उसको पहले मैनेजमेंट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है एनजी ट्यूब सक्शन, यानी कि जो अपर ब्लीडिंग हो रही है, जो लोअर GIT है उसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है या फिर किसी प्रकार से और कोई सिक्रेशन हो रहा है, तो उसको एस्पिरेट करने के लिए एनजी ट्यूब सक्शनिंग करना है। नेक्स्ट कीमोथेरेपी, कोलोरेक्टल कैंसर है, कैंसर में कीमोथेरेपी मोस्ट कॉमन यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, जो भी एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है उनको रोकने के लिए रेडिएशन थेरेपी भी यूज ली जाती है। तो कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी दोनों ही कैंसर के अंदर यूज लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नोट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इज लीवर। देखिए यहाँ पर कोलोरेक्टल कैंसर में जो मेटास्टेसिस साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी कोलोरेक्टल कैंसर की मेटास्टेसिस में, तो आपको राइट आंसर करना है लीवर। जो भी मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ प्लीज़ आप अच्छे से सुने, अच्छे से अलग से राइट डाउन करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर मेनली कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी यूज ली जाती है, और जो फ्लूइड इम्बेलेंस हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए यानी उसको ठीक करने के लिए IV थेरेपी आपको देनी है। किसी भी प्रकार का कोई सिक्रेशन वगैरह हो रहा हो तो उसको एस्पिरेट करने के लिए एनजी ट्यूब सक्शनिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, लेप्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी, यानी कि लेप्रोस्कोप के द्वारा जो भी पॉलिप्स बनाए
उसको रिमूव करना। नेक्स्ट है रिमूव अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बोवेल एंड एनास्टोमोसिस। जो भी इंटेस्टाइन यानी कि बोवेल, यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको बोल रहे हैं, तो बोवेल का किसी भी प्रकार से कोई भी पार्ट अफेक्ट हुआ है उसको रिमूव करना, एंड जो बच गया है रिमेनिंग, एंड रिमेनिंग पार्ट को एनास्टोमोसिस कर देना। एनास्टोमोसिस मीन्स जोड़ देना। नेक्स्ट है परमानेंट सिग्मोइडल कोलोस्टोमी। सिग्मोइड कोलोन की परमानेंट कोलोस्टोमी परफॉर्म करनी है, यानी कि फेकल मटेरियल है वो आगे नहीं जा पाए, जो आपने कोलोस्टोमी बनाई है वहीं से डायरेक्ट पास आउट हो सके, इसलिए आपको परमानेंट सिग्मोइडल कोलोस्टोमी इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलियोस्टोमी, यानी कि एलियम के आगे अगर किसी भी पार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई नियोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रखी है तो एलियोस्टोमी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट है एलियो एनाल एनास्टोमोसिस। एलियो एंड एनाल, देखिए दो वर्ड है एलियम एंड एनस, दोनों का एनास्टोमोसिस करना है। इसके बीच के पार्ट को यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव करना है। अगर किसी प्रकार की ट्यूमर हो रखी है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव करना है, और जो एलियम और एनस का जो पार्ट रिमेनिंग रह गया है उनको एनास्टोमोसिस कर देना है, जिससे जो फूड पार्टिकल्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगी तो उधर नहीं जा पाएंगे, डायरेक्ट एलियम से एनस पार्ट से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए एलियो एनाल एनास्टोमोसिस भी इसके अंदर यूज लिया जाता है। ये कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक हर्निया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से सुने, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, आगे पूछूंगा। चलिए फर्स्ट है हर्निया। हर्निया इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेन रप्चर। हर्निया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रप्चर। नेक्स्ट है हर्निया मीन्स प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ एन ऑर्गन थ्रू वॉल ऑफ द कैविटी, यानी कि जो कैविटी है किसी भी कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी हो सकती है, थोरेसिक कैविटी हो सकती है या फिर पेल्विक कैविटी हो सकती है, क्योंकि सभी जगह प्रोट्रूजन हो सकता है, उस प्रोट्रूजन की वजह से हर्निया होता है। याद रखना किसी भी कैविटी के अंदर यानी किसी भी ऑर्गन की प्रोट्रूजन होना, ऑर्गन का प्रोट्रूजन होना, उस कंडीशन को बोला जाता है हर्निया। अभी हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे इसके, उनके साथ में इमेज भी देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए किस जगह कौन सा हर्निया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इट मे अकर्स एट एनी पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी बट मोस्ट कॉमन इन एब्डोमिनल कैविटी। देखिए हर्निया आपकी बॉडी पे कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाता है तो आपको राइट आंसर करना है एब्डोमिनल कैविटी। देखिए हम अलग अलग जगह का भी हर्निया पढ़ेंगे, टाइप्स में देखेंगे अलग अलग जगह के हर्नियाज, बट मोस्ट कॉमन कहाँ पर देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसके देखती है एटियोलॉजी, कौन कौन सी एटियोलॉजिकल फैक्टर है जिनके वजह से हर्निया हो सकता है। फर्स्ट है मसल वीकनेस, अगर एब्डोमिनल वॉल हो, चाहे फिर पेल्विक कैविटी हो, चाहे थोरेसिक कैविटी हो यानी डायफ्राम हो, उनकी मसल्स अगर वीकनेस हो जाती है तो उनकी वजह से जो पार्ट है या ऑर्गन है वो प्रोट्रूड हो जाएगा और हर्निया बन जाएगा, वो हर्निया कोज करेगा, मसल वीकनेस की वजह से हर्निया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, अगर किसी प्रकार से एब्डोमेन पर प्रेशर डल रहा है, देखिए मैंने आगे एग्जांपल लिखा है, ओबेसिटी हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, कफिंग की वजह से प्रेशर लग सकता है या फिर वेट लिफ्टिंग की वजह से प्रेशर लग सकता है, उस प्रेशर की वजह से ऑर्गन का प्रोट्रूड होना तो वो भी हर्निया कोज करता है। तो अगर किसी प्रकार से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी हर्निया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रॉमा, किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल इंजरी या फिर ट्रॉमा की वजह से प्रेशर एकदम से लगेगा किसी भी प्रकार से तो उससे हर्निया कोज हो सकता है, इसलिए ट्रॉमा भी कोज कर सकता है हर्निया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हर्निया, इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है इंग्वाइनल हर्निया, इसमें भी दो टाइप है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनके भी साइड दिखाऊंगा मैं आपको इमेज से, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इट डायरेक्ट, इट अकर्स थ्रू इंग्वाइनल रिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल के वीकनेस होने की वजह से ऑर्गन का इंग्वाइनल रिंग के थ्रू
प्रोट्रूड होना डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। देखना, अभी मैं साइट बताऊंगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कहाँ से हो रहा है, इनडायरेक्ट कहाँ से हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट देखा जाता है। इनडायरेक्ट बोवेल पासेज थ्रू वॉल इन द एरिया ऑफ मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस की वजह से बोवेल पासेज, जहाँ से बोवेल पास होता है, वहाँ से किसी भी वॉल के मस्कुलर वीकनेस की वजह से अगर ऑर्गन का प्रोट्रूजन हो रहा है, उस कंडीशन को बोला जाता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हर्निया। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है पेंटालोन हर्निया, रोमबर्ग हर्निया या फिर सैडल बैग हर्निया। पेंटालोन हर्निया के दो नाम और है आपको याद रखने, नाम कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया। यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे ही ना बन के उनके बिटवीन यानी बीच में बन जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पेंटालोन हर्निया या रोमबर्ग हर्निया या फिर सैडल बैग हर्निया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के हर्निया बन रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन को पेंटालोन हर्निया कहते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है पैराम्बलिकल हर्निया, अराउंड द एम्बलाइकस यानी अम्बलाइकस से या तो अपवार्ड बनेगा या फिर लोअर वार्ड बनेगा, या तो अपर साइड या फिर लोअर साइड, इन्हें दो कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा पैराम्बलिकल हर्निया। नेक्स्ट है अम्बलाइकल हर्निया अकर्स थ्रू अम्बलाइकस ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। देखिए अम्बलाइकस में आपको हर्निया देखने को मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर में बढ़ने की वजह से, अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से अम्बलाइकस हर्निया आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है ओबेसिटी एंड मल्टीपेरस वुमेन। देखिए मोटापा भी इसका कारण हो सकता है अम्बलाइकल हर्निया का, और मल्टीपेरस वुमेन यानी कि जो 3 से 4 बार यानी बार बार 3-4 बार बच्चे पैदा कर चुकी है, यानी कि 3-4 times प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, उस वुमेन को बोला जाता है मल्टीपेरस वुमेन। ये मैं ओबीजी के अंदर अच्छे से पढ़ाऊँगा जब गटपाल GATPAL पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट है नोट इन चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन अकर एट अम्बलाइकस एंड थ्रू इंग्वाइनल हर्निया। देखिए ये मोस्ट कॉमन बच्चों में देखने को मिलता है अम्बलाइकल हर्निया, जो इंग्वाइनल हर्निया है उस साइड से अम्बलाइकस हर्निया देखने को मिलेगा, उस साइड पे आपको देखने को मिलेगा। जो अम्बलाइकस हर्निया है वो मेनली बच्चों में ही देखा जाता है, ध्यान रखना मोस्ट कॉमन, जहाँ भी मैं बोलता हूँ वो इम्पोर्टेंट लाइन होती है, आप अच्छे से सुने, आप अलग से लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है फीमोरल हर्निया, इट अकर थ्रू फीमोरल रिंग। ये फीमोरल रिंग के थ्रू देखने को मिलता है, यानी जो फीमोरल रिंग है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हर्निया, लिस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हर्निया, ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा अगर हर्निया की कंडीशन हो रही है तो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इट कॉमन इन वुमेन, ये मेनली वुमेन्स के अंदर देखने को मिलती है। ये कुछ टाइप्स है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे इसका इंसिजनल हर्निया, इट इज अकर एट साइट ऑफ प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन, यानी किसी भी प्रकार से कोई प्रीवियस इंसिजन बना है या किसी प्रकार से कोई सर्जरी हुई है एब्डोमेन की, अगर वहाँ से किसी प्रकार का हर्निया अराइज हो रहा है या कर हो रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है इंसिजनल हर्निया, यानी किसी भी ऑपरेशन साइट पे कोई भी हर्निया कोज हो रहा है उसे बोला जाता है इंसिजनल हर्निया। नेक्स्ट है हाइटल डायफ्रामेटिक या फिर इसोफेजियल हर्निया, यह आपको इसोफेगस के अंदर देखने को मिलेगा, मैंने जब पढ़ाया था इसोफेजियल डिजीज कंडीशंस तब भी मैंने बताया था, यहाँ पर हर्निया भी देखने को मिलेगा और डाइवर्टिक कोलम, दोनों को आपको याद रखना है। इट इज ए पोर्शन ऑफ ए स्टोमक इनटू इसोफेगस थ्रू एन ओपनिंग ऑफ द हाइटल और डायफ्राम, यानी कि जो भी स्टोमक का पोर्शन है वो जो स्टोमक के जो पोर्शन है वो इसोफेगस के अंदर चला जाएगा किसी भी डायफ्राम के मसल्स की वीकनेस की वजह से, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइटल हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया या फिर इसोफेजियल हर्निया। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइटल हर्निया, देखिए मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, मोस्ट मैंने वैसे बता दिया है क्वेश्चन जब मैंने
प्रीवियस वीडियो बनाया था क्वेश्चंस का, उसमें भी बता दिया है GERD का कार्डिनल साइन होता है हर्टबर्न, तो वहाँ पर बताया था हाइटल हर्निया के अंदर मोस्ट कॉमन साइन आपको हर्टबर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लाइंग रिकमेंड पोजिशन आफ्टर मेल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ हाइटल हर्निया। यदि किसी पेशेंट में हाइटल हर्निया हो रखा है तो उस पेशेंट को आप लाइंग रिकमेंड पोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। जब वो खाना खा लेता है उसके बाद में, जब पेशेंट खाना खा लेता है हाइटल हर्निया से सफ़र कर रहा है, तो आप लाइंग रिकमेंड पोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ टाइप्स थे हर्निया के जो आपको याद रखने हैं। मैं जो भी अलग से बताता हूँ वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देखिए एक बार, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी मैंने इटियोलॉजिकल फैक्टर बताए हैं, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, मसल वीकनेस, किसी भी वजह से, यानी कि हर्निया कॉज हो रहा है इटियोलॉजी की वजह से, देन क्या होगा, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। देन क्या होगा, वीकनेस ऑफ मसल, जो मसल्स है उनमें वीकनेस आएगी। अगर मसल्स वीक होगी देन क्या होगा, प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन टिश्यूज़, जो भी ऑर्गन्स है वो प्रोट्रूड हो जाएंगे। मसल वीक हो गई तो ऑर्गन्स इजीली प्रोट्रूड हो जाएंगे। तो आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी याद रखनी है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, मसल वीकनेस एंड प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन। बहुत ही सिंपल छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी है, आप देख लेना, और समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट है हर्टबर्न, ये मैंने बता दिया हाइटल हर्निया का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है, बट आपको यहाँ पर भी याद रखना है हर्टबर्न देखने को मिलेगा। पेन होगा जहाँ भी हर्निया अराइज हो रखा है, तो आपको पेन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट, पेशेंट वो डिस्कम्फर्ट रहेगा अगर हर्निया हो रखा है तो। नेक्स्ट नोजिया वोमिटिंग, हाइटल हर्निया में नोजिया वोमिटिंग भी होगी क्योंकि फूड आगे जा नहीं पा रहा है, जिससे क्या होगा रिगर्जिटेट होगा, तो नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा। ये मैं स्पेसिफिक किसी हर्निया के नहीं बता रहा हूँ साइन सिम्टम, ये क्लिनिकल फीचर्स है वो सभी हर्नियाज के सिमिलर बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी आपको देखने को मिलेगी अगर हाइटल हर्निया हो रखा है, डायफ्राम अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, कौन कौन से डायग्नोसिस परफॉर्म करने हैं अगर हर्निया हो रखा है तो। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, किसी को हर्निया हुआ तो नहीं था तो आपको सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री लेनी है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है आपको, हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, बट जहाँ पर भी आपको हर्निया की कंडीशन दिखाई दे रही है वहाँ से आपको अच्छे से एग्जामिन करना है। नेक्स्ट है USG, अल्ट्रासोनोग्राफी आप यूज़ कर सकते हो अगर एब्डोमन पे कहीं भी हर्निया हो रखा है तो। नेक्स्ट है एक्सरे, एक्सरे से भी देख सकते हैं हम कि जो प्रोट्रूजन हो रखा है ऑर्गन का, वो एक्सरे के द्वारा भी विजुलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेरियम मिल स्टडी, हाइटल हर्निया में बेरियम मिल स्टडी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर बेरियम एनिमा यूज़ नहीं लेना है, ध्यान रखना बेरियम मेल स्टडी बोल रहा हूँ। अगर हाइटल हर्निया हो रखा है तो आप बेरियम मेल स्टडी कर सकते हो, जिससे एक्सरे के अंदर अच्छे से दिखाई देगा या विजुलाइज हो सकता है जहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है या हर्निया कॉज हो रखा है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट मैनुअल, यानी कि आप मैनुअल मेडिकल मैनेजमेंट करना है अपने को, जी क्या करेंगे, जेंटल प्रेशर ओवर हर्निया, जहाँ पर हर्निया हो रखा है वहाँ पर जेंटली प्रेस करेंगे, यानी प्रेशर डालेंगे हर्निया जहाँ पर हो रखा है। देन जेंटल ट्रैक्शन ओवर द मास, जहाँ से जो हर्निया हर्निएटेड पार्ट है वहाँ पर आपको जेंटल ट्रैक्शन, वैसे मैंने इमेज रख दी आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, जेंटल ट्रैक्शन की नहीं रखी है, बट आपको जो प्रेस करना है वो कहाँ से करना है, जो भी हर्निएटेड मास है वहाँ से आपको प्रेस करना है। देन सेडेशन एंड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन आपको पेशेंट को देनी है, और सेडेशन भी देना है जिससे पेन वगैरह नहीं हो, क्योंकि सीवियर पेन होता है जब आप जेंटल ट्रैक्शन हो गया जेंटली प्रेशर लगाओगे हर्निया पर, जब आप प्रेशर लगाओगे तो पेन होगा सीवियर पेन, उस सीवियर पेन से प्रिवेंट करने के लिए सेडेशन या सेडेटिव्स यूज़ करनी है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देना है,
प्रॉपर वेनस रिटर्न हो सके और प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके ब्रेन को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के मेडिकल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं अभी, आल्सो यूज ए ट्रस। ट्रस होता है प्रेशर अप्लाई करना। ट्रस की मैंने जो इमेज वगैरह है वो आगे डाल दी है। नेक्स्ट है पेड हेल्ड ए प्लेस बाय ए बेल्ट। देखिए मैंने बेल्ट की भी जो इमेज है वो अच्छे से डाल दी है, वो आप देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। ये बेल्ट भी यूज किए जाते हैं जो हर्निएटेड पार्ट है उसको प्रेशराइज करने के लिए। नेक्स्ट है पेड इज प्लेस्ड ओवर द हर्निया। जो भी आप बेल्ट या पेड आप यूज़ कर रहे हो वो कहाँ पर करना है, जहाँ पर हर्निया हो रखा है वहाँ पर आपको यूज़ करना है। जिससे क्या होगा, जो हर्निया है उसका जो पार्ट प्रोट्रूड हो रहा है वो अंदर की ओर अपनी कंसिस्टेंट जो साइज एंड शेप है उसमें रहेगा। अगर आप प्रेशर कंटिन्यूस उसके अंदर लगता रहेगा तो वो अपनी जगह से बाहर प्रोट्रूड नहीं होगा। तो ये कुछ आपको मेडिकल मैनेजमेंट जो यूज़ करना है, बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्स दिल्ली 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हर्निया मेस या पॉलीप्रोपाइलिन मेस। देखिए पॉलीप्रोपाइलिन मेस भी कहा जाता है हर्निया मेस को। इसका इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इमेज एम्स दिल्ली 2019 में पूछा हुआ है। आपको तो ऐसा दिखाई दे रहा होगा जैसे जाली हो, आप यूज़ नहीं करते खेतों के अंदर जाली, वैसे आपको दिखाई दे रही है, बट ये जाली नहीं है, ये हर्निएटेड मेस है। हर्निया को ट्रीट करने के लिए हर्निया मेस यूज़ ली जाती है। यूज़ इन हर्निया रिपेयर बिकॉज पॉलीप्रोपाइलिन कॉज इन्फ्लामेशन। जो पॉलीप्रोपाइलिन है वो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और ये जो हर्निया मेस है वो हर्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ ली जाती है, उसको रिपेयरमेंट करने के लिए यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन प्रमोट्स टिश्यू ग्रोथ इन एंड अराउंड मेस विच फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इन्फ्लामेशन क्या करेगा, टिश्यूज़ में ग्रोथ करवाएगा। इन्फ्लामेशन की वजह से टिश्यूज़ ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने से जो मेस आपने यूज़ किया है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा, जिसके वजह से ऑर्गन वापस दोबारा प्रोट्रूड नहीं हो पाएगा। आगे वैसे इमेज दे रखी है और जैसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है हर्नियोटोमी यानी रिमूवल ऑफ हर्निया। जो भी हर्निया बना है जहाँ पर भी बना है उसको रिमूव करना हर्नियोटोमी कहलाता है। नेक्स्ट है हर्नियोरेफी यानी रिमूवल ऑफ ए हर्नियल सेक एंड रिपेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल। जो भी हर्नियल सेक बना है उसको रिमूव करना और जो एब्डोमिनल वॉल है उसको रिपेयरमेंट या रिपेयर करना हर्नियोरेफी कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखना, क्योंकि आपको सर्जरी परफॉर्म नहीं करनी है बट आपको सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जरी का नाम है वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। किसी को पता नहीं होता है पेपर में क्या आना है क्या नहीं आना है, बट आपको याद ज़रूर रखना है क्योंकि कंपटीशन में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा अलग से। नेक्स्ट है हर्नियोप्लास्टी, प्लास्टिक रिपेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल। प्लास्टी वर्ड जहाँ भी आता है इसका मीन्स होता है रिपेयरमेंट, ये मैंने बता दिया है टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो हर्नियोप्लास्टी एब्डोमिनल वॉल को रिपेयर करना। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर, लेप्रोस्कोपी के द्वारा हर्निया का रिपेयरमेंट करना, मोर कॉमनली अंडर जनरल एनेस्थेसिया। जो लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयरमेंट किया जाता है वो मेनली जनरल एनेस्थेसिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि जनरल एनेस्थेसिया मीन्स रीजनल एनेस्थेसिया। जो भी रीजन है जहाँ पर हो रखा है तो आपको वहाँ से प्रॉपर एनेस्थेसिया देना होगा, इसलिए रीजनल या जनरल एनेस्थेसिया आपको यूज़ करना है अगर लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयरमेंट कर रही हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट जो आपको याद रखने हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ये टर्मिनोलॉजीज पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। हर्नियोरेफी मीन्स हर्नियोप्लास्टी मीन्स हर्नियोटॉमी मीन्स कौन सा रिपेयरमेंट इनमें से जो जनरल एनेस्थेसिया के साथ में परफॉर्म किया जाता है,
तो आपको ये सब कुछ याद रखना है, हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी एंड हर्नियोप्लास्टी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना मैनेजमेंट। अपना मैनेजमेंट मीन्स नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नर्सिंग मैनेजमेंट देखिए, वो अपना वाला मैनेजमेंट कॉलेज में रह चुका है, यहाँ पर तो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने हैं, मॉनिटर, वाइटल साइंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हैं, ये कुछ तो हम कॉलेजों में करते थे, बट यहाँ पर तो अपने को इम्पोर्टेंट याद रखने हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉरी, फर्स्ट है टू प्रिवेंट इंजरी, इंजरी को प्रिवेंट करना है, हर्निया की वजह से किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है तो उसे प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस एंजाइटी, यदि किसी पेशेंट में हर्निया हो रखा है और वो एंजाइटी से सफ़र कर रहा है तो उसकी एंजाइटी रिड्यूस करनी है, ये नर्स का ही काम है, डॉक्टर नहीं करता है, इसीलिए आज नर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट है उसका न्यूट्रिशनल लेवल आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट आपके सामने इमेज आप देख लीजिए, फर्स्ट है इंसीजनल, देखिए इंसीजनल मीन्स जहाँ पर इंसीजन बनाया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप एक बार देख लीजिए इमेज, आगे एक इमेज और आएगी वहाँ से आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखिए आपके सामने दूसरी इमेज आ चुकी है, एपिगेस्टिक हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, इंसीजनल हर्निया है, फिमोरल हर्निया है, लेटरल हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया है, ये अलग अलग साइट्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर किसी प्रकार का हर्निया होता है तो आप जल्दी से तुरंत उत्तर दे दीजिए, अपना आंसर बता दीजिए कि ये कौन सा हर्निया हो रखा है, तो आपको बता देना है ये इस प्रकार का हर्निया हो रखा है। नेक्स्ट है हाइटल हर्निया, देखिए एक नॉर्मल स्टोमक है और एक के अंदर स्टोमक का कुछ पार्ट डायफ्राम से ऊपर की ओर चला गया है और वहाँ पर क्या बना लिया है, हर्निया कोज कर दिया है, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइटल हर्निया। और इसका मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फीचर होता है वो क्या होता है, हर्ट बर्न, याद रखना पायरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है अम्बिलिकल हर्निया, देखिए अम्बिलिकल हर्निया जो अम्बिलिकस है मेन और मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी अम्बिलिकस, पैरा अम्बिलिकल अलग होता है, ध्यान रखना पैरा अम्बिलिकल या तो अपर साइड में होगा या फिर लोअर साइड में होगा, बट जो अम्बिलिकल हर्निया है वो मेन मिड पॉइंट ऑफ अम्बिलिकस पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ये देखिए ट्रस, इसको बोला जाता है ट्रस, मैंने कहा था आल्सो बी यूज ट्रस, ट्रस होता है जो आर्टिफिशियल कुछ बनाया जाता है, प्लास्टिक का हो सकता है या फिर कपड़े का हो सकता है, जिससे जो हर्निया हो रखा है उसको प्रेस किया जाता है, जेंटली ट्रैक्शन, जेंटली प्रेशर हमने बताया था वो वहाँ पर हम हैंड यूज़ कर रहे थे, आपको ट्रस यूज़ करना है। नेक्स्ट है बेल्ट, मैंने बताया था पेड के साथ में आपको बेल्ट यूज़ करना है, ये कुछ ऐसे बेल्ट आते हैं जो हर्निया को ट्रीट करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, ये इमेज वगैरह इसलिए डालता हूँ क्योंकि आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके साथ में ही क्लियर हो जाए, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एज इट इज़ क्वेश्चन एम्स दिल्ली 2019 में पूछा गया था, यही इमेज स्टूडेंट्स को दिखाई गई थी और पूछा गया था ये क्या है, तो इसका राइट आंसर था हर्निया मेस, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्निया मेस, देखिए एक तो है हर्निया एग्जाम्पल, एक में आफ्टर मेस रिपेयरमेंट, देखिए जो हर्निया मेस है वो यूज़ कर लिया गया है, इससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगी, इसलिए हर्निया मेस यूज़ किया जाता है, और जो हर्निया वाला पार्ट था उसको भी अंदर डाल दिया गया है, देन जो मेस है वो यूज़ की गई है, जिससे जो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होने के बाद में टिश्यूज़ की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी देन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो वो आगे जो वापस हर्निएटेड पार्ट है उसको प्रोट्रूड नहीं होने देगा। ये था आज का अपना टॉपिक, हर्निया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़े समझे, नहीं समझ में आए आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहे, थैंक यू वेरी मच।